राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में सेना अपना पूरा दमखम दिखाती है। लेकिन सबसे खास होता है परमवीर चक्र विजेता। तो चलिए आपको मिलाते हैं परमवीर चक्र विजेता कैप्टन वाना सिंह, सूबेदार संजय कुमार और सूबेदार योगेंद्र यादव से करते हैं उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत। राजपथ पर हर साल होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में हर बार सेना अपने नए दमखम के साथ आती है, लेकिन एक खास बात, सेना के ऐसे खास लोग जो परेड की शान कई सालों से हैं, परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने अपनी जान पर की बाजी लगाकर अलग अलग युद्ध के मौक़ों पर देश का नाम रोशन किया। हमारे साथ कैप्टन बाना सिंह जो जीवित शहीद है एक तरह से कहा जा सकता है, संजय जो कि करगिल वार हीरो हैं और योगेंद्र यादव जो भी जो कि करगिल वॉर के हीरो हैं, परमवीर चक्र से उनको नवाजा गया था उनकी वीरता के लिए। कैप्टन साहब से जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह की वीरता दिखाई हर और परमवीर चक्र जो कि सर्वोच्च सम्मान सेना का है, देश का है, वो आपको मिला। अभी भी हम देख रहे हैं कि सरहद पर हालात लगभग युद्ध जैसे हैं, पाकिस्तान की तरफ से रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो इक्का दुक्का फायर तो चलता ही रहेगा, वो हमारे ऊपर करते हैं, हम उनके ऊपर करते रहें, ये स्थिति बनी रहेगी, मगर हम फिर भी उनके ऊपर भारी हैं। हम ऐसे कोई हमें घबराने वाली बात नहीं है, हमारे देशवासियों को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जब सरहद पर फौज बैठी है, आराम से खाओ पियो सो जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे, अभी आप सेना में हैं और आपने सेना करगिल युद्ध के दौरान अपनी वीरता से नया इतिहास लिखा था, आज किस तरह के जो हालात हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हालात तो पहले से एक जैसे ही हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। सामने वाला तकरीबन आप देखा ही है कि हर टाइम पे घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं, और हमारी जो आर्मी वहाँ पे डिप्लाई है वो उसका मुँह तोड़ जवाब देती रहती है। ये तो जब तक चलता रहेगा जब तक कोई समाधान नहीं उसका होता। तो लेकिन ये है कि हमारे जो वहाँ पे जवान जो डटे हैं वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे जो जवान हैं सरहद पर जिस तरह से पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं अलग अलग मोर्चों पर, हमारे जवान भी लगातार शहीद होते रहते हैं, क्या किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए? पाकिस्तान को हमारा सैनिक मुंह तोड़ जवाब देता रहा है और देता रहेगा। जवानों की जो प्रशिक्षण है, उनकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है और एक सामर्थ्यवान सैनिक है, और हर समस्या का हर मुकाबले के तैयार, उसको मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहा है और तैयार है, और हम हर मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन लोगों में एक भावना रहती है कि जैसे करगिल के वक्त पाकिस्तान को एक सबक सिखाया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, ऐसा सबक सिखाने की दोबारा जरूरत पर ऐसे को ऐसा सबक सिखाने की ये मौका ऐसा आएगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा समय आने के बाद। आप अभी इंस्ट्रक्टर हैं, जैसे नए लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? और ख़ासतौर से जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों को लगता है कि पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। देखिए, हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम लोग जो अभी के हालात हैं देश के, उनके हालातों के मुताबिक ही उनको ट्रेनिंग और उनको जो एक वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है वो उसी तरीके से दिया जाता है कि आपको इन हालातों में वहाँ पर जाके गुजरना है, क्योंकि हमारे देश के काफ़ी जगहों पे ये हालात हैं, और उसी तरीके से हम लोग उनको ट्रेंड करते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके वो अच्छा काम कर सके और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि बार बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, सर्जिकल स्ट्राइक उसके खिलाफ की गई लेकिन सरहद पर हालात बदलते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि उसको एक बार जंग के माध्यम से उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है? नहीं नहीं, इसके लिए निर्णय ले लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो धीरे धीरे इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी राशन माइन में कोई भी काम करना उसमें दिक्कतें आ सकती हैं और कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, तो वो उनका जो सोच है वो बढ़िया है और उसी उन्हीं के सोच पर आर्मी चल रही है। बहुत धन्यवाद। तो ये तीन परमवीर चक्र विजेता जो भारतीय सेना की देश की शान है, उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ सरहद पर जिस तरह के हालात बने रहते हैं उसको लेकर समय आने पर पाकिस्तान को मौका आने पर भारतीय सेना पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दे सकती है।